हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आईएफसी क्लासेस में नॉन फायर कुकिंग वर्कशॉप के अंतर्गत हम लोग आप सभी को बनाना सिखाएंगे कि हम लोग कैसे भेलपूरी बनाएंगे। और भेलपूरी बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बॉम्बे की तरफ बहुत ज़्यादा इसको लोग पसंद करते हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं भेलपूरी। सबसे पहले हम लोग इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं कि हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लोगों को इन्ग्रीडियंट्स चाहिए सबसे पहले तो लोहिया, और उसके बाद हमें चाहिए कुछ मसाले जिसमें नमक है, मिर्च है, और हमें कुछ हरी मिर्च भी चाहिए, सेब चाहिए, मीठी चटनी चाहिए। मीठी चटनी की जगह आप लोग सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें टमाटर चाहिए जो कटा होना चाहिए, हमें प्याज चाहिए, लेमन चाहिए, और कुछ नमकीन और है हमारे पास, और हमें कुछ ब्राउन पेपर चाहिए लास्ट में उसको सर्विंग के लिए, और एक स्टेपलर चाहिए, और एक चाट मसाला है जिसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सबसे पहले भेलपूरी बनाने के लिए हमें एक बड़ा बाउल चाहिए जिसके अंदर हम अपने लोहिया को रखेंगे। उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसमें प्याज डालेंगे, इसमें हम लोग प्याज डालेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। अगर हमारे घर पे चने हो या हमारे घर पे कॉर्न हो, जो भी चीज़ें हो, हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसमें बस लोहिया के साथ इसको बनाएं, जो भी हमें जो भी पसंद है वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। इसमें हम लोग सेव डालेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा मिर्च डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको मिर्च को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास कुछ हरी मिर्च है, तो अगर आपको हरी मिर्च चाहिए तो आप हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो। कुछ नमकीन के सेव और है हमारे पास, वो भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लेमन, हम लेमन का एक साइड रखेंगे, सर्विंग में हमें काम आएगा। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करते समय हमें थोड़ा सा पेशेंस से हमें काम लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो फाइनली हमारा जो भेलपूरी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको सर्विंग को हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सर्विंग के लिए हम लोग एक प्लेट ले लेंगे, और प्लेट लेने के बाद हम लोग इसको जो भेलपूरी वाले लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे घर के आसपास जो लोग बेचते हैं, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक स्क्वायर शेप पेपर ले लिया है जिसको हम लोगों ने बीच से फोल्ड करके हमने उसको डिवाइड कर लिया है दो पार्ट में, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमें इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से स्टेपलर कर देना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस भेलपूरी को हम लोग इसके अंदर भरेंगे। आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा भी बना सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये जो भेलपूरी है वो पूरी तरीके से तैयार है, और हमारे साथ शिखर है, तो हम लोग शिखर को बुलाएंगे यहाँ पे और वो हमें टेस्ट करके बताएगा ये कैसा बना है। फैंटास्टिक। तो हम लोग इसे इजीली बना सकते हैं, आप लोग भी बनाइए, और हमारे चैनल आईएफसी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।